Good morning, students. Welcome to Competition Community. I am Rupa David, and with me, you are going to learn English, competitive English. देखो अब सुन के घबराना नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे people are scared of the word English, scared of the word English. No need to be scared, क्योंकि it is normal a subject which you already know since childhood. We are learning this subject. तो आपको ये सब्जेक्ट आता है, बस हमको थोड़ा सा टेक्निक इसका चेंज करना है, इसका लर्निंग प्रोसेस चेंज करना है. तो हमने बहुत सारे युद्ध देखा है, बहुत सारे युद्ध के बारे में सुना है. तो युद्ध है मतलब हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक होती है रणनीति और एक होता है हथियार. तो जो हमारी रणनीति है, दैट इज स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हमारा थोड़ा वीकनेस होता है. हमारे जो हथियार है, हमारे जो वेपन्स है, वो हमारे पास तैयार मिलता है, बिकॉज वी नो द सब्जेक्ट, वी नो द कंटेंट, वी हैव मटीरियल टू रीड इट, टू लर्न फॉर दैट. ओके, वी हैव एन नंबर ऑफ नाउअडेज रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द कंटेंट. हमारा प्रॉब्लम होता है स्ट्रैटेजी मेकिंग का. जनरली अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स अ स्ट्रैटेजी, दे डू नॉट गिव दैट आउटलुक टू द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस. एक तैयारी, कोई भी चीज़ की तैयारी जब आप करते हो, ये एक बैटल है भाई, ये कंपटीशन भी एक प्रकार की बैटल है. तो इस बैटल में, युद्ध में सिर्फ हथियार लेके पहुंच नहीं सकते हम. हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ कैसा यूज़ करना है, हाउ द टैक्टिक्स वुड बी हेल्पफुल, एंड टू कम्पीट विद अदर्स वी नीड इट वेरी बैडली. क्योंकि किसी भी एक चीज़ से युद्ध नहीं जीता जाता, आपको दोनों चीज़ों की बाकायदे एक जैसी समान आवश्यकता होती है. ठीक है, तो मेरे साथ जब आप इंग्लिश कर रहे होगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे. हम लोग स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ेंगे, हम लोग ग्रामर डेफिनेशंस ये नहीं पढ़ रहे हैं. हम इंग्लिश कर रहे हैं, वो इंग्लिश कर रहे हैं जो कंपटीशन में आती है और जिसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं. हम अभी तक कैसे एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम स्कूल में कैसे एग्ज़ाम देते थे आप? हमें क्वेश्चन पेपर मिलता था, हमें उसका आंसर लिखना पड़ता था. 1 से 100 है तो 1 से 100 सॉल्व करना पड़ता था, यही होता था ना. कॉम्पिटिशन इज़ नॉट लाइक दैट, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे. और अभी तो पूरा माहौल आप देख रहे हो कि ना रिजल्ट हैव कम, और आप सब चीज़ों की तैयारी भी करना शुरू हो गया. अब थोड़ा सा एक अलग सा एनर्जी और एक्साइटमेंट आया होगा, बिकॉज नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ACF एग्जामिनेशन. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद ACF ओनली. तो आई विल टीच हाउ यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर नॉलेज टू कम अप गुड इन दिस कॉम्पिटिशन. तो दिस इज़ द सिलेबस. सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या है ACF का. ठीक है, तो ACF का सिलेबस इस प्रकार है. दिस इज़ द सिलेबस ऑफ ACF. पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट, मेरा नहीं है, वॉइस अगेन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सेंटेंस करेक्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब क्रम में नहीं होगा और आप उसको क्रमबद्ध करेंगे, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, प्लेसिंग ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, नाउ देन कम्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस. अब ये जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, इसका मतलब ही है यहाँ पे एज अ होल इंग्लिश का फंक्शनल यूज़. ठीक है, नाउ कम्स ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. फिर आता है वोकैबुलरी, जिसमें हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे. फिर है लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग. ये जो राइटिंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे राइटिंग, तो ये सिर्फ वर्ड में राइटिंग आ रहा है. एक्चुअली लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है. दिस ऑल सिलेबस एक्चुअली रिजेंबल्स एज PSC मेंस, सिमिलर है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है. दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज सब्जेक्टिव. उसमें लिखना है, इसमें आपको लिखना नहीं, इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, जैसे सैल्यूटेशन पहले लिखा जाता है या पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है. पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं या टाइटल लिखना ज़रूरी है क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे. और ये आप मेरे साथ तैयारी करोगे, आई विल गिव यू सम गुड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच यू विल लर्न बाय हार्ट एंड देन गो टू द एग्जामिनेशन रूम. ओके, तो मेरे साथ जब आप पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं. दैट यू आर लर्निंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अ न्यू स्ट्रैटेजी विच हैज़ टू बी फर्स्ट बी वेरी पॉजिटिव. आपको इंग्लिश आती है यही सोच के आपको पढ़ना है मेरे साथ. सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट. जो बच्चे एक मिनट में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके फिर आंसर्स को ऑप्शन से मिला के करते हैं, वैसे नहीं करना आपको. आप 30 सेकेंड्स में आंसर सॉल्व करेंगे, दैट टू सेलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, उसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आप सेट्स तैयारी करेंगे, वो सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं करना, उसमें मिक्स्ड भी करना, उसमें मिक्स टॉपिक्स करके भी करना, क्योंकि एग्जामिनेशन टॉपिक वाइज नहीं होता बेटा. ठीक है, तो बी वेरी एक्टिव, वेरी कॉन्फिडेंट एंड फील दैट यू कैन डू दिस. ओके, तो विद दैट स्पिरिट लेट्स बिगिन. ओके, तो लेट अस बिगिन विथ नाउन. द फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ द स्पीच इज नाउन. ओके, तो नाउन ब्रॉडली, अभी मैं डेफिनेशन में नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि डेफिनेशन से पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ आपको, नाउन का कंप्लीट वो, ठीक है। तो ब्रॉडली ए नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट आई फील, मतलब मैं तुमको ऐसा बता रही हूँ कि जैसा कि आप आराम से समझ पाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको ग्रामेटिकली देखेंगे। तो ब्रॉडली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट इज समथिंग विच यू कैन सी, दैट मीन्स यू कैन यूज योर सिक्स सेंसेस एंड इधर सी, टच, स्मेल और टेस्ट, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो विजिबल नहीं है, विच यू कैनॉट सी, विच यू कैनॉट टेस्ट, दैट मीन्स ऑल द सिक्स सेंसेस डजंट वर्क बट दे एग्जिस्ट। तो ब्रॉडली हम इसको दो भागों में बांटते हैं। देन एक्चुअली कॉन्क्रीट, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, दिस एब्स्ट्रैक्ट रिमेन्स द सेम, and material noun. That means you can say that concrete can be divided into further, proper, common, collective and material. Okay. Next is, if it is a common noun, you need to know whether it is countable or uncountable. That means कि आप उसे गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। अब गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, नॉर्मल नहीं सोचना। ग्रामर में जब आप कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं तो उसको नॉर्मल नहीं सोचोगे कि मैं किसको गिन सकता हूँ किसको नहीं। अब मेरे साथ कैसे याद रखना, अगर आप गिन सकते हैं चीज़ों को, अगर आप गिन सकते हैं, अगर वो काउंटेबल है, तो आप उसके सामने 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई से मुझे एक कप कॉफ़ी पीना है, एक कॉफ़ी लाओ, दो कॉफ़ी लाओ, आज मुझे एक भूख लगी है, दो भूख लगी है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? नाउ लेट अस ट्राई इट इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एक कप एक कॉफ़ी लाओ, तो यू विल ब्रिंग कॉफ़ी ईदर इन अ कप, a glass or any other dish you want, right? So we can count that dish, that cup, that glass, but we cannot count coffee. That means cup ke samne hum 1, 2, 3 laga sakte hain, 1 cup 2 cups 3 cups, lekin main ye nahi bol sakti 1 tea 2 teas 3 teas, no, I cannot say that 1 coffees 2 coffees 3 coffees, main nahi bol sakti. This is called uncountable. जिसके भी सामने आप 1, 2, 3, 4 लगाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कहा कि भूख, मुझे एक भूख लगी है, तो कैन यू से आई एम हैविंग 1 hunger 2 hunger, आई एम 2 hunger टुडे, नहीं, आप क्या कहते हैं, आई एम वेरी हंग्री, लाइक दिस यू से, या देर इज़ अ लॉट ऑफ हंगर इन मी। तो हंगर में भी आप 1, 2, 3, 4 नहीं लगा सकते, दैट मीन्स इट बिकम्स अ अनकाउंटेबल नाउन, गेटिंग मी। नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ अ काउंटेबल नाउन, ये मैं एक ब्रॉड नॉलेज दे रही हूँ आपको कि नाउन में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। नाउन सोचने से सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि नेम, आप नाउन सोच रहे हैं मतलब ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने नाउन देख लिया है तो वो कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो या तो वो एक लिखा होगा उसके सामने, या तो 2, 3, 4, 1.5 एस पौने दो ऐसे लिखा रहेगा, राइट। दैट मीन्स इट कैन बी इधर 1, 1.5, 1, 3/4 एक्सेट्रा। तो अगर हम एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ प्लूरल नाउन। अगर हम एक बोल रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ सिंगुलर नाउन, गेटिंग मी। दिस इज द कम्प्लीट आउटलुक ऑफ अ नाउन। एक नाउन को याद रखने के लिए आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नाउ वाई नाउन इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ these three things. A normal structure of a sentence is subject, verb and object. Even if this is not there, these two has to be there to make a sentence. एक वाक्य के construction के लिए आपको एक कर्ता चाहिए होता है और एक क्रिया, कम से कम, ठीक है, कर्म है नहीं है doesn't matter. For example, if you write here subject, S stands for subject, that means it is also known as doer. डियर नहीं, हाँ तुम्हारा डियर वाला नहीं, डूअर, दैट मीन्स जैसे टीच करने वाला टीचर, क्योर करने वाला डॉक्टर, आप जैसे लोगों को बनाते हैं इंजीनियर, ठीक है, वैसे ही डू पे ई आर लगाओगे तो डूअर, दैट मीन्स कर्ता। तो एक कर्ता का होना आवश्यक है, एक क्रिया, ठीक है, एक सेंटेंस बनाने के लिए इन दो चीज़ों की कम से कम हमें आवश्यकता पड़ती है। दिस इज कर्म, ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट दीज थ्री ऑफ द थिंग्स, एटलीस्ट दीज टू, क्लियर। तो एक अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है, तो इसको या तो नाउन होना पड़ता है या तो प्रोनाउन। दैट मीन्स अगर सेंटेंस है तो उसका कर्ता जो होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा।
याद कर लो, दिस इज बेसिक, यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट इट. आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम कर्ता की बात कर रहे हैं, तो या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन. ना वो एडवर्ब होगा, ना एडजेक्टिव होगा, ना प्रेपोजिशन होगा, ना कंजंक्शन होगा, ना कोई और चीज़. ठीक है, इट हैज़ टू बी ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन. सिमिलरली इफ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज़ टू बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, तो अब देखो कि सेंटेंस का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कौन कवर कर रहा है, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन. दैट इज व्हाई नाउन इज इम्पॉर्टेंट. एंड बिकॉज आफ्टर दिस वी राइट अ वर्ब, आप इसी के जस्ट बाद वर्ब लिखते हैं. तो अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट कैसा है, एकवचन या बहुवचन, तो कहीं ना कहीं एरर करेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग में आप गलती कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दिस होल थिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इन इंग्लिश. स्पेशली फंक्शनल इंग्लिश में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है. गेटिंग में, तो दैट इज वे दिस इज द ब्रॉड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू लर्न. और ये बेसिक है बेटा, आप जितना याद करोगे उतना अच्छा. इसमें समझने से ज़्यादा आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, कौन किसके बाद आता है, किसका काम क्या है, कौन क्या होता है. दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट इट, दिस इज बेसिक्स. ओके, नाउ वील बिगिन विद द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल, एंड वाई it has to be singular or plural, why we need to learn this and why, how we will make the sentence correct. Okay, chalo let us do. Now take care, suppose I'm writing, I'm making two columns, A column B. Okay, I'm writing here number, city, boy, girl, flower, teacher, player, etc. Suppose this is my column A. And in column B, I'm writing 1, Bilaspur, Arman, Deepika, Rose, Miss Nair, suppose this is column A and that is column, this is column B. Okay, suppose these are the two column. Main difference bata rahi hu aur main koi definition nahi batana chahti aapko. I'm not going to say the definition because you all very well know it. You have n number of contents with you, you have seen n number of videos, you have n number of books. To mujhe definition se bahut zyada farak nahi pad raha hai aur na hi main koi farak batana chahti hu. Aap ye dhyan rakhiye ki mujhe kyun yaad rakhna hai aur kaise yaad rakhna hai ki proper kaun hai aur कॉमन कौन है. ठीक है, सपोज इफ आई एम टेलिंग यू टू से इनमें से कौन सा ऐसा कॉलम है जिनमें आप और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अभी फिलहाल. ठीक है, सपोज दो कॉलम दिया है मैंने, ऐसे कौन सा कॉलम है जिसमें और एडिशन आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कॉलम बी. नहीं आ रहा है, जिनको नहीं समझ आया था देखना कैसे. अगर मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ तो मैं यहाँ 10 भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ 23 भी लिख सकती हूँ, मैं 27 भी लिख सकती हूँ, एक्सेट्रा. अगर मैं यहाँ बिलासपुर लिख रही हूँ तो मैं रायपुर भी लिख सकती हूँ, मैं दिल्ली भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ. अगर मैं यहाँ अरमान लिख रही हूँ तो मैं अक्षय भी लिख सकती हूँ, अनीश भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ. That means the additional information can be done in this one. Again, Deepika, Sita, Seema, Rose, Lotus, Lily, Mr. Nair, Mr. Sharma, Mr. Dixit, etc., etc. Sachin, Virat,
सम अदर, ओके। तो दैट मीन्स हम इस कॉलम में एक्स्ट्रा मतलब और नाम जोड़ सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, प्लीज़ ध्यान से समझना, मैं नॉर्मल ग्रामर नहीं करा रही हूँ आपको, मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे आप शब्दों को देख के समझेंगे कि कौन सा अलग है, और कैसे अपने दिमाग को चलाना है आपको। जब भी आपसे कोई बोले कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा नाम है, तो आप कैसा सोचेंगे वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। डोंट गो थ्रू बुक्स, डोंट लर्न द थिंग्स, बिकॉज एवरीथिंग यू कैनॉट लर्न, देर आर एन नंबर ऑफ वर्ड्स, देर आर एन नंबर ऑफ नेम्स देयर, ओके। सो यू नो नीड ऑफ लर्निंग एवरीथिंग, यू हैव टू रिमेंबर अ टेक्निक सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट आंसर्स। तो जैसे ही हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सब के लिए कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं, नंबर कह सकते हैं ना, नंबर। ऐसी बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे, यार ऑल द सिटीज, जैसे ही मैंने बोला इन सबको मैंने किस नाम से संबोधित किया, सिटीज। अरमान, अक्षय, अनीश, दीपक, आशीष, जैसे ही मैंने इन नाम को लिया तो मेरे किस क्या बोल सकती हूँ, बॉयज आर वेरी नोटोरियस। दीपिका, सीता, दिन गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट वेरी ईजी टू हैंडल। तो मैं जैसे ही गर्ल बोल रही हूँ तो एवरी सिंगल पर्सन हु बिलोंग्स टू दैट ग्रुप कम्स अंडर गर्ल। दिस इज कॉमन नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन। अर्थात डिफरेंस क्या है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में, अगर आपने एक नाम सोचा और उसके बाद कई और नाम सोच सकते हैं, तो वो जो एक नाम है बन जाता है कॉमन नाउन। अगेन कॉमन नाउन है मतलब उसका एक प्रॉपर नाउन होना आवश्यक, ठीक है। यानी इफ इट इज़ अ प्रॉपर नाउन इट हैज़ टू हैव अ कॉमन नाउन। अगेन प्लेयर ये सब देख लिया, वैसे ही सोचो रिवर। जैसे मैंने बोला रिवर, तो एक दो नाम तो कम से कम आते हैं, गंगा जमुना बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, तो कम से कम दो नाम हमारे दिमाग में आते हैं, दो नाम आते हैं, दैट मीन्स रिवर बिकम्स अ कॉमन नाउन। गेटिंग मी? अगेन सपोज आई से DAV, DPS सब बेकार है यार, जैन इंटरनेशनल सब बेकार है, हमारा शिशु मंदिर सबसे अच्छा है। तो DAV, DPS, शिशु मंदिर, सेंट्रल स्कूल, जैसे इन सब के नाम मैंने लिए बिकम स्पेसिफिक वन प्रॉपर नाउन। लेकिन इन सबको मैं किस एक नाम से संबोधित कर सकती हूँ, स्कूल बिकम्स अ कॉमन नाउन। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन। गॉट इट? नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई वी आर लर्निंग दिस, ये इसलिए लर्न करते हैं क्योंकि याद रखना कि कई जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, दे कम इन वन, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट वन ब्रांड, वन स्पेसिफिक पर्सन, दैट कैन नॉट बी प्लूरल। बट कॉमन नाउन्स कैन बी प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर। यानी कि हमें याद रखना है कि कॉमन नाउन दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं, किसी भी कॉमन नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस। दिस ऑल आर वेरी बेसिक नॉलेज, पर फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि हम यही चीज़ें भूल जाते हैं। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एरर्स ढूंढने लग जाते हैं, जबकि हमको बेसिक चीज़ों के बारे में हम भूल जाते हैं। वी रिमेंबर द मेन थिंग दैट इज बिग वर्ड्स इन द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नो, दीज ऑल आर बेसिक थिंग्स दैट कम्स एज एरर इन अ सेंटेंस, ओके। तो ये होता है हमारा, जैसे ही हमने नाउन में इनमें से किसी भी एक सफिक्स को ऐड किया, सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा इंग्लिश में, इसको याद रखना, प्रत्यय जिसको कि हम कहते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सफिक्स ऐड किए इसमें, ये कैसा बन गया हमारा नाउन, प्लूरल। ये याद रखिएगा, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर ब्रेन, नोट इट डाउन इन अ चिप ऑफ योर ब्रेन, दैट इफ अ नाउन, अ कॉमन नाउन इज एडेड विद दीज सफिक्स, इट बिकम्स प्लूरल। और प्लूरल नाउन है तो कैसे डिफरेंस आता है सेंटेंस में, सिंगुलर नाउन है तो क्या डिफरेंस आता है सेंटेंस में, दिस यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल बी प्रूविंग योर सेल्फ वेन यू आर करेक्टिंग अ सेंटेंस। गेटिंग मी? ओके, नाउ दिस इज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। लेट अस मूव ऑन टू नाउ कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। ओके, नाउ दिस इज कॉलम बी एंड दिस इज कॉलम सी। आई एम गोइंग थ्रू द सेम वे so that you can remember my technique, how I'm trying to teach you, okay? Suppose, number nahi hai, numbers. Cities dikh raha hai ye? Boys. Girls. Flowers. Teachers, players,
नाउ सपोज इफ आई टेल यू कि इन दो कॉलम में कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, तो हाउ वुड यू टेल मी, कैसे बताओगे? कलेक्टिव नाउन दैट मीन्स जनरली आप लोगों को दिमाग में होता है कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन विच इज़ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट? तो कौन सा बताओ, कॉलम बताओगे आपकी कलेक्टिव नाउन है, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? नो कॉलम इज़ हियर कलेक्टिव नाउन. ये सिंगुलर कॉमन नाउन था, ये प्लूरल कॉमन नाउन है. प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं होना बेटा. किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम होना चाहिए. यहाँ देखो, नाम तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया. आया क्या? डिड यू गेट एनी डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेम्स. ओनली एन एडिशनल एस और आई ई एस इज देयर विच एक्चुअली मेक्स इट प्लूरल. तो दिस इज सिंगुलर कॉमन नाउन, this is plural common nouns. Clear? Now coming up to the next one, this, for example, boy. I can make a group of boys, that is four group people together, four boys together and made a group. Take it. A crowd, a mob, audience. Suppose there are boys, only boys are there, and it forms a group. Number of boys can form a crowd, a mob, an audience. Girls, same. Flowers. I got a flower from you. I generally don't get because I'm a monster. So I got a flower from this, again from there, and now I'm holding it together. तो वेन आई एम होल्डिंग दिस फ्लावर्स टुगेदर, मैंने फूलों को एक साथ पकड़ा, एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, और मैंने सबको एक साथ पकड़ा है, बिकम्स अ बंच ऑफ फ्लावर्स. नाउ अगेन, अब कुछ बच्चों ने मुझे एक नहीं दिया फ्लावर, एक प्यारा सा गुलदस्ता दिया है, ठीक है, बिकम्स अ बुके. ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट इट्स स्पेलिंग, बुके. नाउ अब स्कूल का वो रूम याद करो जहाँ बम लगाने की इच्छा होती थी पर लगा नहीं पाते थे. सर स्टाफ रूम, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है. तो स्टाफ, स्टाफ सुनते ही समझ में आता है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टुगेदर वर्किंग समवेयर, राइट? तो स्टाफ. अगेन प्लेयर, एक प्लेयर था, दो प्लेयर हुए, चार प्लेयर हुए, दस हो गए, और अब हमने क्या बना लिया, एक टीम. नाउ रिमेंबर, जैसे ही हमने एक प्लेयर दो प्लेयर बोला तो बहुवचन हुआ. अब यही कॉमन नाउन के समूह को अगर हमें किसी और नाम से संबोधित करें तो बन जाता है कलेक्टिव नाउन. दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स, दैट मीन्स द नेम हैज़ चेंज्ड बट पीपल आर द सेम. यानी कि आपने बहुत सारे बॉयज़ को लिया, बहुवचन था, बहुत सारे बॉयज़ मिलके क्या बना रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, अ क्लास, अ क्राउड. अब द डिफरेंस बिटवीन अ क्राउड एंड अ मॉब, रिमेंबर क्राउड, ये सब सिनोनिम्स. देखो बेटा, आप जब भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, इट्स नॉट ग्रामर, इट इज़ वर्ड लर्निंग सेशन. ओके, आपको याद रखना है कि अब आपको वर्ड्स को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होती है सेंटेंस की, ठीक है. नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये जितने भी वर्ड्स आप ऐड कर रहे हो ये आपका डिक्शनरी में एज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स, फ्रेजेस ऐड होते जाने चाहिए. ये आपको खुद करना है एवरी डे, एवरी डे व्हेन यू आर डूइंग द सेशन विद मी. ओके, तो जैसे हमने बोला ग्रुप, अगेन कलेक्शन ऑफ पीपल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ए पीपल इज वॉट, इधर ना इधर ए मेल और अ फीमेल. तो हम बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, पर्सन, पीपल, कुछ भी कहें, अल्टीमेटली वो इनमें ही टर्न होंगे, ठीक है. तो ग्रुप, क्राउड और मॉब में डिफरेंस क्या होता है? क्राउड इज अ नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर सीइंग समथिंग, वॉचिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. ओके, मॉब क्या होता है? एक वॉयलेंट ग्रुप होता है. जैसे अगर मान लो आप बहुत सारे लोग हैं, कोई हॉकी पकड़ा है, कोई तलवार पकड़ा है, एंड देन यू वर्किंग टुगेदर बिकम्स अ मॉब, इट्स अ वॉयलेंट ग्रुप ऑफ पीपल. अ वॉयलेंट क्राउड कैन बी कॉल्ड एज अ मॉब, दोज आर नॉट दैट सोशल. ओके, एंटी सोशल जिनको कहते हैं. ओके, नाउ बंच एंड बुके. अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बुके ले आओ, तो आप बुके से अंडरस्टूड रहेंगे, आप मुझे फल नहीं ला के देंगे, आप मुझे चौक या डस्टर ला के नहीं देंगे, आप क्या देंगे, फूल. तो अल्टीमेटली दिस फ्लावर्स आर नेम्ड नाउ एज बुके, बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर कॉमन, कॉमन सिंगुलर प्लूरल, एंड देन कलेक्टिव नाउन.
any doubt, anything that comes in your mind that nahi ma'am aisa hota hai waisa hota hai, please write it down in the comment and wait for my answer. Okay, now coming up to the next one. These all can be counted as concrete noun, because concrete noun का मतलब भी होता है जिससे हम five senses use कर सकें अपने. ठीक है, जितने भी चीज़ें अपन लिखे थे इसमें हमारे five senses को वो दिखते हैं, या तो हम इनको taste कर सकते हैं या तो हम उनको देख सकते हैं, ये सब चीज़ वैसे ही थे. ठीक है, now अब collective noun का examination point of view से important thing. Collective nouns generally लगता है कि collection है बहुत सारे चीज़ों का, पर collective noun भी generally singular count होता है, क्योंकि अगर 10 प्लेयर से भी हम बना रहे हैं तो बनता तो एक ही टीम है. सिमिलरली अगर हम 200 बॉयज़ को भी मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं तो बन तो एक ही ग्रुप रहा है. तो जनरली एंड मोस्ट कॉमनली अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर. ये जानबूझ के ऐसे देते हैं सो दैट यू आर कन्फ्यूज, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं यार तो इट हैज़ टू बी प्लूरल. नो, इट इज़ नॉट. जनरली कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है. कहीं कहीं पर हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी मानते हैं, कहीं कहीं पे. ठीक है, यू टेक कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एरर करेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन यू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स और प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स एट दैट टाइम ऑल्सो दिस वुड हेल्प यू. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल द फैमिली इज इन्वाइटेड टू द पार्टी. ठीक है, द फैमिली इज इन्वाइटेड टू द पार्टी. फर्स्ट सेंटेंस, द सेकेंड, द फैमिली आर गिवन सिटीजनशिप और अब आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. ये नो एरर. ठीक है, हियर ऑल्सो नो एरर. सपोज ऐसे दे दिए ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी. तो एक जनरल बच्चा जो होता है उसको पढ़ेगा. ठीक है, फैमिली इज इनवाइटेड टू द पार्टी. व्हेन ही रीड्स इट, रिमेंबर हम इंग्लिश बोलते नहीं हैं बेटा, एंड दैट इज अ फैक्ट. वी डू नॉट converse in English throughout the day. No, we don't do that. And it's a fact. ठीक है, accepted. और जो हम बोलते हैं, जो हम conversation में use करते हैं, जिसको आपको देख के लगता होगा ये बहुत English बोल रहे हैं, तो in speaking a language, you know about Hindi at least. आप हिंदी तो जानते हैं, तो जब आप हिंदी भी बोलते हैं या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें ग्रामर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. वी डू नॉट गो थ्रू ग्रामेटिकल यूज़ ऑफ इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी इन कन्वर्जेशन. नहीं होता ऐसा, वी डू नॉट डू दैट. ओके, तो हम कहीं ना कहीं अपना जो दिमाग है वो बहुत यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो व्हेन यू गेट इन दिस एग्जामिनेशन, आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसको 2-3 बार पढ़ते हैं, तो आपका पहला ही जो मेरे साथ जो मैंने आपको बताया है जो टैक्टिक्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वही लूज़ करते हैं आप. क्योंकि आप जैसे ही सेंटेंसेस को 2-3 बार पढ़ते हैं, पहला आप एक टाइम वेस्ट करते हो, दूसरा कहीं ना कहीं आपको सही लगता है और आप गलती नहीं ढूंढ पाते बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश. तो समवेयर ऑर द एल्स वी गो रॉन्ग. ठीक है, वी यूज़ अवर गेस वर्क, फिर हम गेस करते हैं. तो पहले वाले में हमने गेस किया कि द फैमिली है, इज है, इन्वाइटेड है, तो इट इज़ करेक्ट. एंड देन टू द पार्टी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकता है, हो टू नहीं होगा, फॉर द पार्टी होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड डू द सेम, दे विल टर्न दिस एंड राइट फॉर. ठीक है, आगे पढ़ेंगे वो क्यों होता है, पर मैं बता रही हूँ जनरल. मैं अगर हूँ एक जनरल स्टूडेंट की वो बता रही हूँ. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द फैमिली आर गिवन सिटीजनशिप. हमें लगेगा फैमिली एक है, फैमिलीज तो नहीं लिखा है, इट इज़ फैमिली, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द एरर. दैट मीन्स दिस इज द एरर एंड हियर दिस, इसमें तुम टिक लगाओगे, इसमें टिक लगाओगे, दोनों ही आंसर रॉन्ग, नंबर मिलता है 0 और आप फिर होते हो परेशान. ठीक है, नाउ व्हेन यू आर लर्निंग विद मी, लर्न इट प्रॉपरली. अगर ये फैमिली है तो ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, नो डाउट इट कैन बी अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, पर बेसिकली तो ये एक कलेक्टिव नाउन है. दैट मीन्स अ ब्रदर, अ सिस्टर, अ मदर एंड अ फादर टुगेदर फॉर्म्स अ फैमिली. मम्मी पापा बच्चे फैमिली बनाते हैं. ठीक है, तो जनरली इट्स अ कॉमन नहीं, कलेक्टिव नहीं, सॉरी प्रॉपर नहीं, इट्स अ कलेक्टिव नाउन.
इसीलिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं इसीलिए शब्दों को याद करा रही हूँ। तो याद रखो, आपको नहीं याद है, आप नाउन्स में सिर्फ नाम ही याद रखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ वाई यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो रिमेंबर, फैमिली इज़ अ कलेक्टिव नाउन इन जनरल, ओके। तो फैमिली इज़ इन्वाइटेड, यानी एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इन्वाइट किया गया तो ऐसे नहीं बोला गया कि मम्मी पापा को भेजना, बच्चों को मत लाना। व्हेन यू गिवन एन इन्विटेशन, इट इज़ फॉर द होल फैमिली एज अ यूनिट, यानी कि पूरा का पूरा एक ग्रुप, एक मैंने एक होल की तरह लेते हैं। लेकिन जब हम सिटीजनशिप दे रहे हैं तो हम फैमिली को सिटीजनशिप नहीं देते हैं, लोगों को सिटीजनशिप देते हैं, यानी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको सिटीजनशिप मिल रहा है। तो हियर फैमिली इज काउंटेड एज अ मेंबर, मेंबर एज इन टर्म्स ऑफ मेंबर और इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। सोच लो, ध्यान से समझना बेटा, डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ। कन्फ्यूज होते हो पूछना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। ध्यान से देखना, फैमिली मम्मी पापा बच्चे मिला के फैमिली बनाते हैं, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। तो जब मैं इनवाइट कर रही हूँ या मुझे इनवाइट किया गया है तो मेरे पूरे फैमिली को इनवाइट किया जाता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल यूनिट। यूनिट के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ सिंगुलर, इट इज़ करेक्ट। यहाँ पे सिटीजनशिप की बात हो रही है, तो सिटीजनशिप जो है यानी नागरिकता जो देते हैं ना, तो नागरिकता लोगों को मिलती है, यूनिट को नहीं मिलता। जैसे घर को नागरिकता नहीं मिलता है, घर के मेंबर्स को नागरिकता मिलती है। बिकॉज फैमिली इज हियर काउंटेड एज मेंबर्स और इंडिविजुअल, अगर हम एक कलेक्टिव नाउन को मेंबर या इंडिविजुअल की तरह काउंट करें तो वहाँ हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होती है। ये टू फॉर क्यों नहीं होगा ये मैं प्रेपोजिशन के साथ बताऊंगी, ठीक है। तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर, एंड दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर। प्लीज नोट डाउन, रीड इट अगेन एंड लिसन टू इट अगेन, एनी डाउट दैट कम्स प्लीज आस्क। तो मैं ये बता रही थी कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी। मैक्सिमम टाइम उसको एक वचन मानना, बहुवचन नहीं, ठीक है। बहुवचन सिर्फ तब होता है जब वो एक मेंबर की तरह काउंट किया जाता है, जब इंसानों की बात ज़्यादा हो रही होती है, ना कि ग्रुप होल की बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन विद अ कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आई एम गोइंग थ्रू द सेम टेक्निक, तो डू नॉट कन्फ्यूज, रिमेंबर आई एम यूजिंग द सेम टेक्निक फॉर प्रॉपर एंड देन फॉर कॉमन, फॉर कलेक्टिव, आई एम गोइंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल, ओके। बुक, बैंगल्स, शर्ट, कार, बुक, बैंगल्स, कर्ड, दही, पराठा, आप सब जानते हैं, ठीक है, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा। नाउ इफ आई राइट दिस एंड आस्क यू अगेन कि आइडेंटिफाई द नाउन, फिर दिमाग वैसे ही चलाना कि कॉन्क्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट, पहले ये देखना कि मतलब इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तब यस वी कैन सी ऑल दिस थिंग, वी कैन टच, वी कैन परचेज, वी कैन स्मेल, यस वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। दैट मीन्स ये कॉन्क्रीट नाउन है, तो या तो ये प्रॉपर होगा या तो कॉमन होगा या कलेक्टिव है, जस्ट चेक इन वंस। शर्ट, जैसे ही मैंने शर्ट बोला तो नायलॉन शर्ट, कॉटन शर्ट, हाफ स्लीव शर्ट, फुल स्लीव शर्ट्स आ रहे हैं दिमाग में, दैट मीन्स इट्स कॉमन, नॉट कलेक्टिव, नॉट प्रॉपर। कार, बहुत सारे होते हैं, हुंडई होता है, BMW होता है, ऑडी होता है, एन नंबर ऑफ, दैट मीन्स अगेन ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन। तो दिस होल सेक्शन इज कॉमन नाउन। कर्ड में भी स्वीट कर्ड होता है, ठीक है, स्मेल फ्लेवर्ड कर्ड होता है, पराठा ऑल्सो, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, स्टफ्ड पराठा, ओके। तो दिस टेबल ऑल्सो, देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन यूज फॉर टेबल, फॉर मेटालिक टेबल, राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, that means this is also common noun. So this column belongs to common noun, it is not material noun. Yeah, ye bhi problem aata hai ki bacche generally kisi bhi cheez ko dekh ke bolte hain, agar main bolungi pen kya hai beta, common noun, proper noun ya material noun, to bacche turant bolte hain material noun. No, it is not material noun, it's a common noun and it is a concrete noun, theek hai. To jaise shirt bola, ab maine bola nylon, cotton, लिनन, ओके, पढ़ा लिखा। जैसे मैंने इन तीनों चीज़ों को बोला, दैट मीन्स कहीं ना कहीं शर्ट किससे बना है ये दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन क्या होता है? माल. वो वाला माल नहीं, कच्चा माल. ठीक है, तो माल यानी कच्चा माल जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हम चीज़ें बनाते हैं. दैट मीन्स विथ द मटीरियल नाउन यू क्रिएट अ कॉमन नाउन. कनेक्ट करो ना एक दूसरे से. जैसे बहुत सारा प्लास्टिक मिलाया हमने, बहुत सारे इंक मिलाया हमने, और उसके बाद हमने बनाया मार्कर. तो मार्कर इज अ थिंग, यू कैन सी, टच एंड एवरीथिंग. ठीक है, इट्स नॉट अ मटीरियल, क्योंकि आप मार्कर से अब और कुछ नहीं बना सकते. यू कैनॉट प्रिपेयर समथिंग फ्रॉम द मार्कर, नो. लेकिन हम प्लास्टिक से मार्कर बना रहे हैं. ठीक है, तो दिस सिमिलरली कार किससे बन रहा है? ग्लास, फाइबर बनता है, ग्लास, फाइबर, मेटल्स एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. मेटल्स आर यूज टू मेक इट. ठीक है, सिमिलरली बुक किससे बना है? पेपर से. नाउ मेनी पीपल टेल मी कि बुक किससे बना है, तो सीधे वुड बोलते हैं. नो, इट्स नॉट मेड विद वुड, इट इज़ मेड आउट ऑफ पेपर. पेपर इज मेड अप ऑफ वुड. यानी बुक के लिए मटीरियल नाउन क्या है? पेपर. आप पेपर लेते हैं, पेपर्स बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, देन यू कंपाइल इनटू अ बुक. और जो पेपर जो बन रहा है वो किससे बनता है? अल्टीमेटली विद अ वुड और एनीथिंग. ठीक है, तो बुक, पेपर, बैंगल्स, इट कैन बी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इवन ग्लास. ठीक है, अगेन कर्ड विद मिल्क, पराठा. आलू नहीं बोलना, गोभी नहीं बोलना, डोंट से पोटैटो और कॉलीफ्लावर. नो, इट इज मेड आउट ऑफ व्हीट और राइस. ठीक है, टेबल अगेन वुड, प्लास्टिक, फाइबर, मेटल एक्सेट्रा. दैट मीन्स दीज ऑल रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड और फॉर मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. ये मटीरियल नाउन होता है, ये मटीरियल नाउन नहीं होता है. अब अगेन सी द सिनोनिम्स. मटीरियल इज नॉट आर्टिकल, लेकिन गुड्स, थिंग्स, आर्टिकल्स, दिस आर सिनोनिम्स. क्योंकि जैसे मैंने बोला गुड्स की ट्रेन नहीं आ रही है, तो गुड्स की ट्रेन नहीं आ रही है ना, यानी कहीं ना कहीं कोई सामान की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो गुड्स ट्रेन, थिंग्स नहीं है यार ट्रेन में. जो मैंने गुड्स ट्रेन था उसमें थिंग्स नहीं थे, तो थिंग्स, गुड्स, आर्टिकल्स आर लेस इन माई शॉप. तो आर्टिकल्स आर लेस इन माई शॉप. देर आर नो गुड्स ट्रेन अवेलेबल इन बिलासपुर. तो गुड्स ट्रेन या जो भी चीज़ें, हम ये तीन चीज़ें जो है, ये एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं? चीज़ों की, जैसे मार्कर, डस्टर, ऑल द कॉन्क्रीट थिंग्स विच यू कैन सी, उसी को हम गुड्स, थिंग्स या आर्टिकल्स बोलते हैं. लेकिन मटीरियल नहीं. मटीरियल वो है जिनसे गुड्स, थिंग्स या आर्टिकल्स बनते हैं. नाउ अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, बिकॉज इट इज़ मटीरियल नाउन, तो आप कभी भी इन्हें गिनते नहीं. आप नहीं बोल सकते वन नाइलॉन्स, टू कॉटन्स, थ्री फाइबर्स, फाइव पेपर्स, ऐसा आप नहीं बोलते. और ये मेटल्स मैंने इन जनरल लिखा, यानी मेटल एक्चुअली क्या हो जाएगा? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनमें हम कभी भी वन टू थ्री का प्रयोग नहीं करते हैं. क्योंकि हम इनको वन टू थ्री का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स. प्लीज रिमेंबर, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं. देखो अब कैसे ये काम आता है एग्जामिनेशन में. प्लीज रिमेंबर दे आर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन. यू सी हाउ व्यापम गिव्स यू द क्वेश्चन फॉर दिस. और आप सोचते हो कि ये ग्रामर है. नहीं, इट्स नॉट ग्रामर, इट्स बेसिक इंग्लिश विच यू शुड रिमेंबर. ओके, जैसे लिखा होगा द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. ऐसे लिखा और आपसे पूछता है, एरर बताइए. मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, नो एरर. ठीक है, ए बी सी डी. जनरली जो बेसिक ग्रामर है वही आपके करेक्शन में काम आता है, इसलिए ध्यान से समझना होता है. ठीक है, जैसे सपोज ऐसे लिखा हुआ है, इट इज़ अ व्यापम क्वेश्चन. एंड अगेन वी थिंक इन द सेम वे. हम उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर उसको हम दोबारा पढ़ते हैं विद हिंदी मीनिंग इन आर माइंड्स, कि घर ब्रिक्स और स्टोन से बना. हाँ भाई, ठीक तो है. अब हम उसमें देखते हैं कि कोई ग्रामर मिस्टेक कैसे हो रहा है. मेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मेड है तो ये इज़ नहीं होना चाहिए.
वी जनरली रियलाइज इज मेकिंग अप होना चाहिए या फिर इज हट जाना चाहिए, ये हमारे दिमाग में आता है बिकॉज जनरली व्हेन यू डू करेक्शंस यू गो फॉर टेंसेस. ठीक है, नो द एक्चुअल मिस्टेक इज हियर इन द कॉलम सी. क्योंकि घर बन रहा है यानी किसी चीज़ से बन रहा होगा, घर रॉ मटेरियल से बनता है, मैंने अभी बताया बन रहा है मतलब किसी न किसी रॉ मटेरियल से. तो ये किससे बना है, इससे, ये रॉ मटेरियल है. अगर ये रॉ मटेरियल है तो ये सिंगुलर होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए. और अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो इसमें एस का प्रयोग कैसे हो गया, गेटिंग मी? दिस इज हाउ, तभी ये होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो क्योंकि आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो, ग्रामर. अब आप ग्रामर सोचोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए शब्दों को याद रखना होता. हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम रिलेट कर रहे हैं किससे, हम एग्ज़ाम में उसको कैसे तैयारी करें. तो आपको सिर्फ नज़रिया बदलना है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और हर कुछ जो है वो लाइन अप होने लगेगा. तो व्हेन यू आर डूइंग इंग्लिश विद मी यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज़ हाउ यू विल लर्न इंग्लिश. कि जो भी आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, जो भी आप रिलेट कर रहे हैं थ्योरी, वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में काम आ रहा है या नहीं, और वो पक्का आएगा. ठीक है, got the point? Any doubt in this also you can ask me. इसमें एक और होता है, आर्टिकल डिफरेंस भी रहता है. जैसे मान लो आर्टिकल का प्रयोग करना है, एंड सपोज द क्वेश्चन इज एस एंड द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, द टिन इज अ यूजफुल मेटल. सपोज ऐसे लिखा है, द टिन इज अ यूजफुल मेटल, ऐसा. एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द एरर और करेक्ट द सेंटेंस, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल. ऐसे भी लिखा हो सकता था, यहाँ ब्लैंक होता और आपको दिया रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल. इट कैन हैपन इन एनी वेज. जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका फॉर्म तीन ही हो सकता है, या तो आप सेंटेंस करेक्शन में जाओगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में जाते हो, और या फिर आपको पूछता है टू चेंज द सेंटेंस या ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस. ओके, तो अगर यहाँ पे ब्लैंक है, सपोज इट्स अ ब्लैंक एंड रिटन अगेन टिन इज अ यूजफुल मेटल. चलो ये भी ब्लैंक है क्योंकि आर्टिकल वाला ब्लैंक चल रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें द लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार टिन के बारे में बोल रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफाई कर रहे हैं अ टिन. और यहाँ पे क्योंकि यू है, कई बच्चे यहाँ एन लगा देते हैं, कई इसमें ए लिखते हैं, डिपेंड्स. ओके, आई एम राइटिंग बोथ हियर. तो आप दोनों तरीके से अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं जो आप जानते हैं. नहीं, आप बेसिक ग्रामर नहीं है, आप उस टाइम बेसिक ग्रामर जो होता है वो भूल जाते हैं. रिमेंबर टिन इज़ अ यूजफुल मेटल की बात हो रही है. अभी हमने बताया था कि जब यहाँ पे जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, टिन, एल्युमिनियम, दिस इज वन ऑफ दैट. ये मटीरियल नाउन है और क्योंकि इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, देर इज़ नो स्पेसिफिकेशन गिवन अबाउट टिन. सिर्फ ये बोला जा रहा है कि टिन एक यूजफुल मेटल है, बहुत सारे मेटल में से एक है, इसलिए यहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल हो रहा है. ये मैं बाद में बताऊँगी जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगी कि इसमें एन लगेगा या ए. नॉट, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ. अभी मेरा मेन कंसर्न है नाउन. ठीक है, तो ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं है कि नाउन मतलब नाउन में ही गलती होगा, नाउन मतलब आर्टिकल में भी गलतियाँ हो सकती हैं. तो यहाँ पे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, दैट मीन्स मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक नहीं होता. कहाँ होता है ये मैं आर्टिकल में बताऊँगी. ओके, नाउ गोइंग अप टू द नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, नाउ कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हमने देखा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड नाउ कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन भी हमने देख लिया. ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से अपन पढ़ रहे हैं. रीज़न कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब कॉन्क्रीट नाउन से एकदम अलग हो गया. अब ये आपके लिए बहुत एक चैलेंज है टू अंडरस्टैंड नाउन इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें दिखती नहीं हैं उसको याद करना मुश्किल होता है, हमें पहचानना मुश्किल होता है. तो हम उसके लिए एक टेक्निक ढूंढ रहे हैं और उसी टेक्निक से हम पढ़ेंगे, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड वॉट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, चलो लेट अस बिगिन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे हम न छू सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, न स्मेल. दैट मीन्स हमारे सिक्स जो सेंसेस होते हैं उसका कोई उपयोग हम नहीं कर सकते. ये वो चीज़ें हैं जिसे हम या तो फील करते हैं या तो हम एक्सप्रेस करते हैं. दोनों अलग अलग हैं. फील करना मतलब महसूस करना, एक्सप्रेस करना मतलब संबोधित करना. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, इसलिए याद रखना. ये वो नाउन है जो आप हिंदी में भाववाचक के नाम से जानते हैं. ठीक है, दैट इज दिस नाउन. ओके, तो विच वी कैन नॉट सी एंड टच, विच वी कैन ओनली फील और एक्सप्रेस. तो इनको अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एक वर्ड को देखें, क्योंकि कलेक्टिव नाउन भी कहीं कहीं हमें एब्स्ट्रैक्ट जैसे दिखता है, मॉब, क्राउड, हमें ऐसा लगता है ना कि उसका वो तो सिर्फ एक संबोधन है. ठीक है, तो ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपके विचारों, दैट मीन्स थॉट्स, व्यूज़, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, इनसे रिलेट करता है, या फिर अपने भाव से, लव,
ठीक है, हैप्पीनेस, इमेजिनेशन, दीज ऑल थिंग्स बिलोंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ टू रिमेंबर दीज नाउन्स इट इज़ वेरी इजी. कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन सफिक्स को देखते ही साथ समझ जाना कि इट इज़ अ नाउन. आप बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको याद रखना है कि अगर ये सफिक्स है वर्ड में, ये सफिक्स लगे हैं, दैट मीन्स दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो सम ऑफ देम आई हैव मैंशनड, टी आई यू एन और एस आई यू एन, टी एच, एच टी, टी वाई, सी ई. अब ये सी ई ए एन सी ई भी हो सकता है, ई एन सी ई भी हो सकता है, पर सी कंपल्शन है. ओके, नेक्स्ट इज हुड, दैट मीन्स एच डबल ओ डी, एन ई डबल एस, एम ई एन टी, ए जी. ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट चाइल्ड, इट्स अ नाउन. यस, लेकिन कौन सा नाउन है? पर्सन. जैसे मैंने बोला पेशेंट, ये भी आप पहचान लोगे क्योंकि पेशेंट इज मरीज, यानी दिखता है इंसान. अगेन बोथ आर नाउन. सपोज लेकिन अगर ऐसा लिखा हो और आपको पूछा जा रहा हो, सपोज क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वन, इन दोनों में से कौन सा नाउन है? सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा नाउन है? ठीक है, ऐसे दिया होगा और ऑप्शंस होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन होगा बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सपोज द ऑप्शन इज ए, ऑप्शन में दिया रहेगा ओनली वन, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, आउट ऑफ दिस ठीक है ऐसे लिखा है. दिस इज वन और इनके लिए दिया है टू, इन दोनों के लिए दिया है वन, इन दोनों के लिए दिया है टू. ठीक है, ओनली वन बी ऑप्शन होगा, ओनली टू सी ऑप्शन होगा, बोथ वन एंड टू, और डी ऑप्शन होगा नन. सपोज दिस इज अ ऑप्शन और ई लिखा होगा all. Suppose I'm giving you all the options so that you remember and you differentiate between these two. Suppose aise diya hai ki which of these is noun, ek sentence is, they don't give you words, they don't give you words. Wo aapko word nahi denge beta, dhyan rakhna. Lekin aapko yaad rakhna hai ki kahin na kahin sentence mein bhi to words hi hote hain na. To agar suppose wo ek sentence dete hain aur usme unhone underline kiya hai, child ko underline kiya hai aur childhood ko underline kiya hai, पेशेंट को अंडरलाइन किया है और पेशेंट्स को अंडरलाइन किया. सपोज ये वन होता, टू होता, तो भी सेम होता. ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि क्या इसमें से कौन सा नाउन है, क्या सिर्फ पहला वाला नाउन है या दूसरा भी नाउन है, या पहला वाला सिर्फ नाउन है या दूसरा भी नाउन है या नहीं है. तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे उसका मीनिंग निकालते हैं. तो वो देखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब, कई लोग तो नहीं पता कर पाएंगे बिकॉज उसमें नाम नहीं दिया है, उसमें राम, श्याम, सीता नहीं दिया है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं. अब आपको नहीं होना है क्योंकि मैंने बताया है चाइल्ड सुनते ही हमारे दिमाग में दो चार बच्चे तो सामने दिख रहे होंगे. बच्चे दिख रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्क्रीट नाउन है. और क्योंकि एक दो से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैडम ने अभी बताया था कि दो से ज़्यादा दिख रहे होंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, हर चीज़ से दिमाग रिलेट करना बेटा. ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है. पेशेंट अगेन एक मरीज, दो मरीज, तीन मरीज, बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मतलब अगेन कॉमन नाउन. और आप मरीज का नाम नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ कॉमन नाउन. दिस इज़ अ नाउन, डेफिनेटली ये नाउन है. हमने वन तो समझ गया कि नाम है. सेकंड में आएंगे, फिर अपन देखेंगे चाइल्डहुड. नाम इसे महसूस नहीं होता, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड. अब इसका मीनिंग नहीं आता कई बच्चों को, पेशेंस मीनिंग नहीं आता, तो आप फंस जाते हो. इसीलिए बोल रही हूँ, रिमेंबर यू हैव सम सफिक्स. सफिक्स यानी प्रत्यय, आप हिंदी में इसको प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के एंड में जुड़ता है. ठीक है, तो ये प्रत्यय अगर लगा है सी ई और एच डबल ओ डी, तो मैडम ने सिखाया था ऐसे सफिक्स किसको बिलोंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. तो बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आपको याद रखना है ऑल दीज रिटन वर्ड्स आर नाउन. अब कैसे इसको प्रूफ करोगे? जैसे ही मैंने बोला पेशेंट, तो पेशेंट दो होता है, पेशेंट हैज़ टू मीनिंग्स. ठीक है, वन पेशेंट इज नाउन एंड द अदर इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव सुना, एडजेक्टिव विशेषण पढ़ेंगे हम लोग आगे. ठीक है, तो पेशेंट यानी होता है, जैसे आप पेशेंट लिसनर है,
आप लिसन कर रहे हैं टीचर को. मैं पेशेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं कौन लिसन कर रहा है कि नहीं, बट आई एम स्टिल हैविंग पेशेंस. अब वो पेशेंस जैसे मैडम ने बोला, जैसे ही अपन टी हटा के सी ई लगाते हैं, पेशेंस यानी अब आपकी सहन शक्ति की बात हो रही है. ठीक है, आप कैसे सब्र करते हैं, सब्र कहते हैं. तो सब्र ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना काउंट कर सकते हैं, पर वो होता है. किस चीज़ को संबोधित करते हैं आप उससे, अपने धैर्य वाली शक्ति को ना. ठीक है, धैर्य, तो ये होता है पेशेंस. गेटिंग मी? दिस इज भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सिमिलरली चाइल्ड आप देख सकते हैं, आप नेम कर सकते हैं उसको, इसलिए वो नाउन है बट पर्सन नाउन है. बट चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन. तो बच्चा का जो वो एज ग्रुप जहाँ पे वो बचपना दिखाता है, दैट इज़ कॉल्ड बचपन. वो बचपन ना कोई इंसान है और ना ही कोई सामान है जिसे आप छू सकते हैं, बट हम उस बच्चे की उस स्थिति को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं बचपन. तो जिसमें भी बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहलाता है, HOOD. और ये सफिक्स जुड़ते ही आपको याद रखना है कि दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एम आई क्लियर एवरीवन? गेट द पॉइंट? आप प्लीज़ लर्न करें इन सफिक्स को. अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी? ई विल बी योर राइट ऑप्शन, बिकॉज इनमें से जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, चाहे वन में लिखा हो, चाहे टू में लिखा हो, चाहे थ्री में, चाहे फोर में, दीज ऑल वर्ड्स बिलोंग्स टू नाउन. दीज ऑल आर नाउन. तो इनमें से किसी को भी अगर आपको सेंटेंस में अंडरलाइन करता है तो इट बिकम्स अ नाउन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स. डोंट वरी, आई बी गिविंग यू इन रिटन ऑल दी वर्ड्स जो इससे रिलेटेड होते हैं. आई गिव. अब आता है NEESS. सपोज लिखा है ब्राइटनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, और इसी के साथ वर्ड लिखा है ब्राइट. ठीक है, इसी के साथ जो वर्ड लिखा है वो लिखा है ब्राइट, फिर लिखा है सैड, फिर लिखा है हैप्पी. तो जब आप देखते हैं तो आप इसमें भी अपनी मीनिंग लाते हैं, महसूस कर. ब्राइट यानी चमक, ओहो, महसूस. सैड, महसूस ही तो कर रहे हैं. और हैप्पी, हम तो महसूस कर रहे हैं, मैं खुश हूँ तो भाई महसूस कर रहा हूँ. यहाँ आप महसूस नहीं कर रहे, यहाँ आप बता रहे हैं. यू आर एक्सप्रेसिंग, आप कैसे हैं, मैं खुश हूँ. आई एम अ हैप्पी पर्सन, शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, आई एम अ हैप्पी टीचर, यू आर अ हैप्पी स्टूडेंट, दिस इज़ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे. यानी उस डे को आप बता रहे हैं खुश, खुश दिवस, खुश पल. ठीक है, खुशी पल नहीं होता है. ये आप महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं नाउन के बारे में स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं. आप कैसे हैं, आप खुश हैं. वो कैसा है, वो खुश है, एडजेक्टिव. ठीक है, अब जो हम लोग बोल रहे हैं, मुझे अपनी खुशी से बहुत प्यार है, मुझे हर उस चीज़ में खुशी मिलती है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टीचर उस सब चीज़ में खुश होता है. जो खुशी जो है वो आप देख नहीं सकते, वो आप खरीद नहीं सकते, वो आप गिन नहीं सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इतना सोचना ही नहीं. ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि खुश होना, हिंदी में ध्यान रखो, हिंदी पढ़ते हो, हिंदी तो आपको बहुत अच्छी जाती है. तो कैसे बोलते हैं, खुश पल, खुश व्यक्ति, खुश देश, मैं खुश हूँ, तुम खुश हो. तो आप तो अपनी विशेषता बता रहे हो ना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. तो खुशी क्या है, व्हाट इज़ खुशी? वो है वो जो आप महसूस करते हैं, भाव. ठीक है, ऐसे ही मुझे भूख लगा है, भूख, और वो व्यक्ति भूखा है, भूखा व्यक्ति, मुझे भूख लगा है, भूख और भूखा, भूखा एडजेक्टिव, भूख संज्ञा. वैसे ही हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, हंग्री एडजेक्टिव, हंगर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हंगर, थर्स्ट, याद कर लो, दीज आर वोकैबुलरी इंक्रीजिंग वर्ड्स. इफ यू डू नॉट नो प्लीज लर्न इट. थर्स्ट मतलब होता है प्यास. ठीक है, वैसे ही हंगर मतलब होता है भूख. ये याद कीजिए बेटा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है फॉर द नाउन फॉर्म ऑफ, या विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन. ठीक है, तो नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म में ये आपको याद होना चाहिए. या फिर इसको अंडर, व्यापम ऐसे भी क्वेश्चन देता है जिसमें हंगरी को अंडरलाइन कर देगा या हंगर को अंडरलाइन. सपोज इट विल अंडरलाइन हंगर एंड आस्क यू व्हाट इज़ इट, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है. तो उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है मीनिंग. डो नॉट रिलेट एनीथिंग टू द मीनिंग. ओके, लर्न इट. कुछ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इसको कृपया याद रखें. थर्स्ट और हंगर,
भूख प्यास दीज ऑल बिलोंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट्स अ फीलिंग ठीक है एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ अब यहाँ देखना आई डाई डेड एंड डेथ सपोज ये वर्ड दिख रहा है आपको दिख रहे हैं ओके सपोज मैंने बोला कि इसमें इनमें से कौन सा नाउन है इन तीनों वर्ड में से कौन सा नाउन है नाउ यू विल थिंक अबाउट इट बच्चे जो होंगे जो नहीं जानते हैं ये सफिक्स वो उसमें बहुत दिमाग लगाएंगे और उसके बाद सोचेंगे सिमिलरली आई एम गिविंग यू द नाउन वर्ड ट्रू और ट्रूथ कौन सा नाउन है हाई और हाइट कौन सा नाउन है विच वन ऑफ दिस इज अ नाउन तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो थ्रू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड एवरीथिंग नो लर्न इट इफ द वर्ड हैज टी एच और एच टी एट द एंड अगर है वो नाउन ही है अब अपन प्रूव करते हैं आप देख रहे हैं कि एक ऊंची बिल्डिंग है ऊंची यानी कैसी बिल्डिंग है ऊंची यानी कि आप कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं बिल्डिंग को कैसा जैसे भी हम लोग बोल रहे थे कि खुश इंसान है तो आप बता रहे थे कैसा इंसान है सिमिलरली यू आर डिस्क्राइबिंग इट क्योंकि आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं इट्स अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड तो ये एडजेक्टिव प्लीज़ कन्फ्यूज नहीं होना डो नॉट बी कन्फ्यूज एकदम सीधे साधे समझना किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना अगर आप नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वह एडजेक्टिव है ठीक है तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि हम कैसा फ़ोन डेड फोन कैसा लाइन डेड लाइन बोलते हैं कैसी बॉडी डेड बॉडी यानी कि हमने कहीं ना कहीं नाउन के पहले इस्तेमाल किया डेड फोन डेड लाइन डेड बॉडी बिकम्स एन एडजेक्टिव ट्रू फ्रेंड ट्रू मोमेंट ट्रू स्टोरी ट्रू स्टोरी ठीक है तो कैसी स्टोरी ट्रू कैसा फ्रेंड ट्रू दिस बिकम्स अगेन एडजेक्टिव अब सच और सच्चाई तो सच्चाई वो चीज़ है जिसे आप नाप नहीं सकते देख नहीं सकते गिन नहीं सकते एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिमिलरली हाइट जब मैं ऐसे लिखती हूँ कि इस बिल्डिंग की ऊंचा गिनो नहीं मैं क्या बोलूँगी इस बिल्डिंग की ऊंचाई गिनो या ऊंचाई देखो कितनी है तो ऊंचाई वो एक्सप्रेशन है जो मैंने ऊंचे होने को दिया तो ऊंचाई तो इतना डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझा इसलिए नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ कर रहे हो इसलिए मैं समझा रही हूँ अदरवाइज लर्न इट When you see these words with a word given in your book or in your answer in your question, so you'll understand that these all words belong to abstract noun. Similarly, development, engagement, improvement, ठीक है ये जिसमें भी meant लग गया again abstract noun. Mileage, coverage, homage becomes abstract noun. Admission, examination. Competition, direction becomes abstract noun. Thought, truth, faith, death becomes अब death को आप महसूस नहीं कर सकते आप dead word को अब महसूस नहीं कर सकते ये नहीं सोचना कि मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आप तब तक निकल लिए हो ठीक है यू आर नॉट महसूसिंग इट नो यू आर नॉट यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग इट दैट एक्टिविटी विच वॉज डन हियर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेथ ठीक है Now, again, TY, prosperity, unity, community, diversity, getting me? University. So these all are nouns. It's not university, sorry, not university. ठीक है वो यूनिवर्सिटी में वो सफिक्स नहीं है इट इज़ अ वर्ड तो बिकम्स अन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगेन CE वाला आपने देखा था पेशेंस इग्नोरेंस इनोसेंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस डिफरेंस है बेटा दोनों में ठीक है तो जैसे ही हम CE लिख देते हैं T की जगह पे बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउ फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन कम्स अब एग्जांपल क्वेश्चन में कैसे आता है सपोज द क्वेश्चन इज द ऑनेस्टीज of men can't be judged suppose this sentence like that the honesties of men can't be judged and you're asked to write the error ab yaad rakhiyega honesties theek hai honesties means imandariyan ab aata hai abstract noun ka importance honest
ऑनेस्टी, टी वाई वाला, ठीक है, सफिक्स टी वाई दिख रहा है, ध्यान रखना। तो हम लोग जनरली वाई के स्थान पे इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, आई ई एस। नाउ रिमेंबर, जैसे कि काउंटेबल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, कैसे वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं, उसी प्रकार से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं बेटा, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते। दिस इमोशंस, इट्स भाव, इट्स एक्सप्रेशंस, यू कैनॉट काउंट इट, यू कैनॉट काउंट इट। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक भूख लग रही है, मुझे दो भूख लग रहा है, हाँ आप नहीं बोलते ऐसा, और ऐसा नहीं बोलना, ओके। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो ये भी कैसा होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसको नॉन काउंटेबल भी बोलते हैं, सेम है, अनकाउंटेबल नाउन। एंड बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, नो नीड टू ऐड आई ई एस और ई एस। आप ईमानदारी गिन नहीं सकते इसलिए उसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो रिमेन्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एंड दिस इज द एरर ऑफ द सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, द ऑनेस्टी ऑफ मैन, भले ही भी 200 लोगों का भी क्यों ना हो, इट विल रिमेन लाइक दिस, ठीक है। अब देखो व्यापम का एक क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम प्राइस ऑफ houses have risen very high. Error finding, ठीक है। Suppose इसमें अगर blank भी रहता, suppose ऐसा blank दिया रहता, दोनों form में होता है blank, fill in the blanks, ऐसे दिया, ठीक है। द प्राइस ऑफ द हाउसेज, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इट कैन बी हियर एज अ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म वे में, या फिर ऐसा दे सकता है एरर में, ठीक है। तो जनरली बच्चे इसको देख के सबका पहले मीनिंग ढूंढते हैं और उसको एक ट्रांसलेशन फॉर्म में करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं, द प्राइस ऑफ हाउसेज हैव राइजन वेरी हाई। अब कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे, तो ये थर्ड फॉर्म होता है राइज का, राइज, रोज, राइजन, दिस इज़ द वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ड, क्योंकि इसको किसके साथ यूज़ किया गया है, हैव के साथ, ठीक है। तो बच्चे अब इसको चेंज करते हैं, हैड होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, समथिंग ऑफ दैट, यू विल चेंज इन टू ग्रामर, नो। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे, लुक एट द वर्ड, दिस आर्टिकल, इसीलिए नाउन से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा द, तो आर्टिकल्स जनरली नाउन के पहले लगता है, मैं समझाऊँगी जब हमें नाउन, आर्टिकल और एडजेक्टिव पढ़ाऊँगी। जनरली अ नाउन टेक्स एन एडजेक्टिव एंड बिफोर दैट इट टेक्स अ आर्टिकल, ये होता है उसका क्रम, इसका क्रम इस प्रकार रहता है, ठीक है। एक नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लगा है तो नाउन के पहले लगा होगा, अगर आर्टिकल भी लगा है एडजेक्टिव के साथ तो पहले होगा आर्टिकल, फिर होगा एडजेक्टिव, फिर होता है नाउन, ये इसका क्रम होता है, ये कभी नहीं बदलता, इट नेवर चेंजेस, सो लर्न इट। ये पोजिशन ऑफ वर्ड्स हैं, और जब तक आप पोजिशन ऑफ वर्ड्स को अच्छे से याद नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं तुक्का मारेंगे, इसलिए डू नॉट डू दैट, लर्न इट बाय हार्ट इट। इफ़ इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट हैज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले लगता है। अगर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल भी लिखा है तो पहले होगा आर्टिकल, फिर होगा एडजेक्टिव, और फिर होगा नाउन, ठीक है। तो सपोज ऐसे लिखा है, ये द लगा है मतलब नाउन का होना आवश्यक, तो यहाँ पे बच्चे हाउसेस देख के हैव सही सोचेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी नाउन, कॉमन नाउन जो प्लूरल होता है, तो एस या ई एस लगता है, दिस इज ई एस, ठीक है। तो इट इज़ प्लूरल, तो जनरली प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो हैव इज़ प्लूरल, तो बच्चों को सही लगेगा, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाउसेस नहीं है, हम हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाउस के प्राइस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कीमत की बात कर रहे हैं। तो जब हम कीमत की बात कर रहे हैं तो कीमत को नहीं गिना जाता, यू कैन नॉट काउंट कीमत, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ मनी, दैट रुपीज़ और पैसे, यू डू नॉट काउंट द कीमत। प्राइस इज़ नॉट काउंटेबल नाउन, इट्स एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन बिकॉज इट्स एब्स्ट्रैक्ट। क्या आप देख सकते हैं प्राइस को, आप प्राइस टैग देखते हैं, आप प्राइस की वैल्यू देखते हैं, आप प्राइस नहीं देख सकते, ठीक है। यू कैन नॉट स्मेल इट, यू कैन नॉट टेस्ट इट, दो वी टेस्ट इट बिकॉज जब बहुत महंगा होता है तो कड़वा लगता है, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली एब्स्ट्रैक्ट की विचारों में, ठीक है। तो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज नॉट अ कॉमन नाउन, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट हैज़ टू बी सिंगुलर
एंड अनकाउंटेबल. ओके, तो इसके साथ कभी भी हैज़ नहीं यूज हो, सॉरी हैव नहीं होगा, इसके साथ होना चाहिए था हैज़, यानी दिस फॉर्म इज रॉन्ग. अब इसको ऑप्शन में अगर ऐसे दिए होते, हैव राइजन, आर राइजिंग, सपोज ऐसे ऑप्शन होता, फिल इन द ब्लैंक्स रहता, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रहता हैज राइजन, इज राइजिंग ऑफ इन नन. सपोज दिस वॉज द ऑप्शन बी सी डी एफ ई. सपोज दिस इज द ऑप्शन गिवन एट दैट टाइम. जनरली क्या होता है, द प्राइज ऑफ द हाउसेज आर राइजिंग वेरी हाई, इज राइजिंग वेरी हाई. सब सही लग रहा है ना, सही लग रहा है. हाँ, तो अब टेंस टाइम पढ़ाऊंगी मैं कि क्यों ऐसा है. तो इसको हम लोगों ने किस में टिक किया, इसको ऐसे लिख लेते हैं सो दैट यू डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ. अब कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है. सपोज दिस इज गिवन, देन आई टीच टेंस, आई टीच यू हाउ टू अंडरस्टैंड कि वेर इज प्रेजेंट परफेक्ट, वेर इज पास्ट परफेक्ट, ये मैं बताऊंगी आपको. अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं नाउन के बारे में. तो जैसे ही हमने देखा, अब जरूरी नहीं है नाउन सोचोगे तो नाउन में ही गलती हो, नहीं, याद रखना बेटा, क्योंकि हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं और सेंटेंस में नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है, और क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसके हिसाब से ही बदलती हैं. गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. तो ये हो गया एक फर्स्ट, ऐसे टाइप का नाउन एरर आ सकता है, ऐसे टाइप का नाउन एरर आ सकता है. अब देखो थर्ड फॉर्म, ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकता है, दैट इज थर्ड वन. नाउ लुक एट द फोर्थ वन, फोर्थ कैसे होता है देखो. ओके, सपोज दिस फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चंस आर देयर, डू एज डायरेक्टेड. ओके, नाउ वी हैव टू डू, बिकॉज वी आर लर्निंग नाउन तो वी आर डीलिंग विद नाउन. पर देखो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि सिर्फ नाउन सोच के जब आप ये टॉपिक वाइज करते हैं, जब आप लोग टॉपिक वाइज घर में प्रिपेयर करते हैं, व्हेन यू डू थ्रू योर बुक्स, योर कंटेंट्स, योर नेट और एनीथिंग, वेर एवर यू आर सिटिंग एंड यू आर डूइंग द रिविजन ऑफ नाउन और यू आर लर्निंग नाउन, तो आप बेसिकली अपने दिमाग में बना लेते हैं कि अब ये नाउन बेस पे, तो मुझे नाउन नाउन चेक करना है. ऐसा नहीं होता, बहुत सारे चीज़ों को इससे रिलेट करना है आपको. एनी टॉपिक इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट कम अलोन. रीज़न, एक सिंपल सा रीज़न बताती हूँ कि किसी भी सेंटेंस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एक सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है, तो अगर ये एक सेंटेंस है तो इसका 1 2 3 4 पार्ट्स हैं इसमें. जितने शब्द होते हैं उतने ही पार्ट्स कहलाते हैं, और अगर ये 4 पार्ट्स हैं तो दिस आर रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. दैट मीन्स इट कैन बी ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन और एन एडवर्ब और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, एनीथिंग इट कैन बी. तो आपको अगर प्रेपोजिशन नहीं आता, या आपको एडवर्ब नहीं आता, अगर एडजेक्टिव नहीं आता, नाउन नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी. इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर और जो आप बेसिक पढ़ते हैं, टेंसेस, वॉइस, नरेशन पढ़ते हैं, उससे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए कि सेंटेंस में जो बनते हैं सेंटेंस, जब वो सेंटेंस बन रहा है, जिन शब्दों को लेके बन रहा है, वो शब्द क्या है, ठीक है. तो जब हम ये पढ़ रहे हैं, अब हम अपन कर रहे थे नाउन, आई हैव टॉट यू समथिंग अबाउट नाउन, कुछ हम चीज़ें पढ़े हैं अपन ने, और उसी बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. नाउ सी हाउ वी विल रिलेट अ नाउन टू डिफरेंट अदर थिंग्स इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, कैसे एक जब हम नाउन की डिफरेंट, नाउन के अंतर्गत ही आया, तो एरर अपन बाद में करते हैं, पहले चलिए इसमें है, हमको ढूंढना है आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई द वर्ड, सेम इज हियर, आइडेंटिफाई द वर्ड. ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ड में आपको चार ऑप्शन देंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या इनमें से कोई नहीं. सिमिलरली एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसी देंगे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए. तो व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग अ वर्ड, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं. अब जैसे स्मोकिंग इज अ हैबिट, स्मोकिंग मेरी क्या है, हैबिट. अब इसको तुमने हिंदी बनाया, तो हमारे को वर्ड मिला था हैबिट, चेक हैबिट ना, क्या हम इसको कर सकते हैं, नहीं. किसी चीज़ को करने को आप हैबिट बोल सकते हो, पर आप कर नहीं सकते हैबिट. हैबिट इज़ नथिंग टू डू. जैसे मैं बोलूँगी सिंगिंग, तो मैं सिंग कर सकती हूँ. आई कैन राइट, तो मैं राइट लिख सकती हूँ, तो ये क्रिया नहीं है. ठीक है, नाउ कमिंग अप टू एडजेक्टिव, क्या ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, नो, इट्स नॉट एक्सप्लेनिंग एनी हैब एनी नाउन और अ प्रोनाउन. ऐसे मैं भी अभी आगे धीरे 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 पढ़ोगे. तो ये नाउन है, अब ये कौन सा नाउन है, ये क्यों नाउन है, याद रखना ये नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हैबिट, इसलिए वर्ड्स को पढ़ते जाना, जब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब जब आप मैसेज पढ़ रहे हो, तो कीप ऑन लर्निंग द वर्ड्स.
हैबिट इज़ अ नाउन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते. वो चीज़ें जो हम हर दिन करते हैं, हमेशा करते हैं, जिनको करने में मुझे मज़ा आता है, या जो चीज़ें हम हमेशा करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है. तो आदत क्या है? इट्स अ नाउन, इट्स संज्ञा, भाववाचक. ठीक है, यू कैन नॉट सी, एक्सप्रेशन है वो एक. सिमिलरली लव बिगेट्स लव, ये तुम समझ जाओगे, बिकॉज दिस यू कैन फील, दिस इज समथिंग विच इज इन फीलिंग, एंड फील कर सकते हैं, दैट मीन्स अगेन इट्स अ नाउन, इट्स नॉट एडजेक्टिव. डो नॉट राइट इट अंडर एडजेक्टिव, डो नॉट राइट इट प्रीपोजिशन, इट्स अ नाउन. तो दिस इज़ हाउ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स. ये एक टाइप हो सकता है आने का, जिसमें वो वर्ड अंडरलाइन करके पूछे कि ये क्या है, तो आपको पता चलेगा. ठीक है, रिमेंबर. ओके, नाउ कमिंग अप टू दिस वन, अगेन नाउन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ द कप्स बेस वॉज राउंडेड, दिख रहे हैं. हियर दिस इज रॉन्ग, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आंसर, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं इसमें ख़त्म करना चाहती हूँ पढ़ाई पूरा. एक टॉपिक पढ़ के आपको ऐसा लगना चाहिए कि नाउन के बारे में आपको सारी नॉलेज हो गई है. जैसे ही हम ये देखते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफियस. ये सब इम्पॉर्टेंट है भाई, नाउन से रिलेटेड होता है. एपोस्ट्रोफी, क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी. तो एपोस्ट्रोफी एस तब लगता है जब हम किसी के बारे में रिलेशन बताते हैं. When you relate something, जैसे मैडम का मार्कर, मेरा फ्रेंड, मेरा बर्थडे, तो मैडम्स मार्कर, ठीक है, माई फ्रेंड्स बर्थडे, ठीक है, माई फ्रेंड्स फादर, फ्रेंड्स मैडम्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इसमें बिना एस वाला जब लिखा रहता है तो प्लूरल बनाता है, पर अगर ऐसा लिखा है, इट इज़ विद एन एपोस्ट्रोफी, दैट मीन्स इफ इट इज़ विद एपोस्ट्रोफी, दैट मीन्स इट इज़ पोजेसिव नाउन. इनको क्या कहते हैं? पोजेसिव नाउन. प्लीज़ रिमेंबर, वन अदर काइंड इज़ पोजेसिव. इनको कहते हैं पोजेसिव नाउन. और ये पोजेसिव नाउन इसलिए है क्योंकि ये जो अपोस्ट्रोफी आपको दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं का, के, की बताता है. मेरा, उनका, उसका, तुम्हारा, ये बताता है, रिलेशन शो कर रहा है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉन एज पोजेसिव, पोजेसिव नाउन. पोजेसिव नाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैडम्स, तो मैडम इज़ अ कॉमन नाउन. टीचर्स, टीचर इज़ अ कॉमन नाउन. माई फ्रेंड्स, फ्रेंड इज़ अ कॉमन नाउन. तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लग रहा है और ये रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए इसको पोजेसिव नाउन कहते हैं. तो हम पोजेसिव, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये सिर्फ पोजेसिव नाउन तभी लगता है जब वो लिविंग थिंग हो. नया चीज़ है, प्लीज़ ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये आता है एग्जाम में. ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे. जब भी आप अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं नाउन के साथ, तो वो जीवित होना आवश्यक है, यानी कि इट हैज़ टू बी अ लिविंग थिंग. यू कैन नॉट राइट अपोस्ट्रोफी एस विद अ नॉन लिविंग थिंग. आप कप्स बेस नहीं बोल सकते, पेंस कैप नहीं बोल सकते, बाइक्स की नहीं बोल सकते. आप कन्वर्सेशन में शायद यूज़ करते होंगे, बट ग्रामर में आप नहीं बोलेंगे. रीज़न, इस पे इसका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई अधिकार नहीं है. अगर इसको अगर आप फेंक देते हैं तो ये आपसे लड़ेगा नहीं. ठीक है, ऐसे ही बाइक की चाबी अगर चली जाती है तो आप लड़ते हैं. बाइक लड़ने नहीं जाता कहीं, जाता है क्या? नहीं जाता. चेयर का अगर पैर टूट जाता तो चेयर किसी से कुछ नहीं बोलता, चुपचाप साइड में रख दिया जाता है. चेयर जाके लड़ता नहीं कि मेरे पैर को क्यों तोड़ा, पर तुम्हारा पैर टूटेगा तो तुम चिल्लाओगे, राइट? तुम डांटोगे भी, तुम लड़ोगे भी. तो सिमिलरली नॉन लिविंग थिंग्स के नॉट हैव पोजेशंस. ये पोजेस नहीं कर सकते किसी चीज़ को, आप इनको पोजेस करते हो. दे डू नॉट पोजेस, दैट मीन्स इन पे इनकी ही चीज़ों का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए हम इनको ऐसे नहीं लिखते. इसके साथ हमको लिखना पड़ता है ऑफ, एपोस्ट्रोफी के बदले लिखना पड़ता है ऑफ. यानी मेरा आंसर होगा द बेस ऑफ कप. आर यू गेटिंग मी? ध्यान से समझो बेटा, इसका आंसर ऐसा होगा द बेस ऑफ कप. किसका बेस? कप का बेस. किसका बर्थडे? फ्रेंड का बर्थडे. किसका मार्कर? मैडम का मार्कर. या तो जब मैडम का मार्कर था तो मैडम्स मार्कर, फ्रेंड का बर्थडे था तो फ्रेंड्स बर्थडे. लेकिन अगर कप का बेस है, बेस यानी कि द वेयर यू कीप द बेस, दिस इज द बेस. ठीक है, तो किसका बेस है? कप का बेस. तो कप का बेस है तो हमको क्या लिखना है उसमें? द बेस ऑफ द कप. प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट,
पजेसिव नाउन. इसको नाउन टाइप्स में इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये एक यूसेज है नाउन का, ये अपोस्ट्रोफी का यूज़ है, इसलिए हम उसको अलग से नाउन में नहीं लिखते हैं. ठीक है, आपको जानना है कि जब हम पोजेशन होता है, जब भी हम किसी चीज़ को पोजेस करते हैं और लिविंग थिंग है, तो हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी. दिस इज न्यू थिंग, प्लीज़ रिमेंबर, अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं यूज़ किया जाता है. मेक अ नोट एंड राइट इट डाउन, ऐसे नोट बनाओ और लिखना, अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग थिंग के साथ लगाया जाता है, लिविंग नाउन्स के साथ. ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पजेसिव नाउन. ये कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाया जाता है, और ऐसे ही एरर देते हैं और बच्चे क्या करते हैं? वॉज, राउंडेड, इनमें गलती करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि हमेशा गलती वर्ब में होता है, हमेशा गलती टेंस में होता है. ऐसा नहीं है. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन. द इंडियंस आर अ रिलीजियस माइंडेड पीपल. ठीक है, इंडियंस आर अ रिलीजियस माइंडेड पीपल. अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये इंडियंस है, ये आर है, तो यहाँ पे ए का होना रॉन्ग. ए जनरली सिंगुलर के लिए लगता है, कम्स फॉर सिंगुलर, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल में. ठीक है, जनरली अ सिंगुलर नाउन के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ इंडियंस के लिए ए लिखा आ रहा है, तो जनरली बच्चों को ये क्या गलत लगेगा? ये गलत है. पर ऐसा नहीं है बेटा, फिर एक नया चीज़ जो आप सीख रहे हो, ध्यान रखना, अगेन मेक अ नोट, राइट डाउन, ये जो इंडियंस यहाँ लिखा है, इंडियंस लिखा है यानी कि पूरे भारतवासियों की बात हो रही है. जब पूरे भारतवासियों की बात हो रही है, इसका मतलब भारत की बात हो रही है. दैट मीन्स इफ यू आर राइटिंग हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और सिख, और यू आर राइटिंग द ब्रिटिशर्स, तो उसमें क्या होता है कि यू, व्हेन यू से ब्रिटिशर्स, तो आप पूरे ब्रिटिश को ले रहे हो. वैसे जैसे ही मैंने लिख दिया द इंडियंस, ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग द इंडियंस, इट हैज़ टू विद बी विद ए, क्योंकि आप ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इंडियंस. तो हम बोलते हैं ना, इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, इज़ अ लगाते हैं. सिमिलरली इंडियंस आर यहाँ लगा है बिकॉज ऑफ इंडियंस, बट दिस होल थिंग रिप्रेजेंट्स इंडिया, दैट मीन्स एज अ यूनिट लिया जा रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग कर रहा है. A is related to noun, याद रखना, that is why I'm giving you everything. कि जरूरी नहीं है कि noun सोचें और आप सिर्फ name के बारे में सोच रहे हैं. Noun can be anything related to article, it can be related to verb, it can be related to other parts of the sentence like this, apostrophe s. Clear? This is the end of nouns. Everything related to noun I have explained. Anything which you think I have to add it up, मैं और भी questions दूंगी जो related to आपके examination pattern से होगा. यहाँ आप confuse कैसे करते हैं मैं समझाऊंगी, कि जब ये options में आता है तो आप परेशान होते हैं. अभी तो मैं explain कर रही हूँ. ठीक है, next में आता है the fleet of ship. अब आता है next thing after correction, after identification, one of the next thing which comes in examination is fill in the blanks. Suppose fill in the blanks में से दिया the fleet of ship. It is F, ठीक है? The fleet of ships dash at a uniform speed. Suppose this is given and the options given to you are move, moves, is moving, sorry, moved, has moved, and none. A, B, C, D, F. सपोज मैं, आप तीन भी ऑप्शन ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, मैं पांच ले रही हूँ हमेशा, सो दैट मैं हर ऑप्शन के बारे में आपको बता सकूँ. ठीक है, सपोज ऐसे लिखा है फ्लीट ऑफ शिप्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे लिखा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हम लोग बात कर रहे हैं नाउन की और आप बोल रहे हो मैडम की फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब. अब देखो कैसे रिलेट होता है बेटा. ठीक है, नाउ द फ्लीट ऑफ शिप, जैसे ही हमको बोलता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने फर्स्ट डे बताया था, अभी फर्स्ट में बताया आप लोग को नाउन पढ़ाते टाइम कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसीलिए हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप नाउन नहीं जानते तो आप फंस जाएंगे वर्ब में. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें टेंस देखोगे अगर, तो दिस इज प्रेजेंट टेंस वी वन, अगेन प्रेजेंट टेंस वी वन, अगेन पास्ट टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. विल टीच, आई टीच यू इन द टेंसेस. ओके, तो अब इनमें से कौन सा शर्ट है? अब अपना पूरा दिमाग आप घुमा के ट्रांसलेट करोगे, मतलब समझोगे. हमें वर्ब ढूंढते टाइम सिर्फ ये देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, एक वचन या बहुवचन, चेक करो. द फ्लीट ऑफ शीप्स, अब मैक्सिमम बच्चे इसको जानते हैं, ठीक है, तो दे विल थिंक इसकी बात हो रही है. पर याद रखना सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एस वी ओ, यही है सेंटेंस का स्ट्रक्चर. लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स.
ठीक है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस वी एल ओ, यही है। तो हम वर्ब के जितने पहले जो भी चीज़ें लिखी हैं, वर्ब के पहले जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सब्जेक्ट में काउंट होता है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट। फ्लीट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ बॉयज, बुके ऑफ फ्लावर्स, स्टाफ ऑफ टीचर्स पढ़ा था। सिमिलरली फ्लीट ऑफ शिप्स, ऑफ लिखा है यानी इसके छुन की बात हो रही है, ठीक है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। और क्योंकि हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो आई टोल्ड यू कलेक्टिव नाउन को हम कैसा लेते हैं, एक वचन, क्योंकि एक वचन है तो मेरा आंसर होगा बी, क्योंकि एक वचन के साथ वर्ब भी कैसा होना चाहिए, एक वचन, ठीक है। अब वर्ब में एक वचन बहुवचन मैं आगे बढ़ाऊंगी आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो दिस इज हाउ, आपको बात हो रही थी आपकी वर्ब की, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन अंडर हम लोग किस टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन। तो ऐसा नहीं समझना बेटा आपको कि ये नाउन से रिलेटेड नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्चुअली टेल यू। यही हम गलत जाते हैं जब हम खुद से पढ़ते हैं, हम जब खुद तैयारी कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, हमें लगता है कि नाउन पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू रिमेंबर ओनली नाउन। नो, इट इज़ कनेक्टेड, द वर्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड बिकॉज नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यू नीड टू बी वेरी अप्रोप्रिएट हाउ एंड वॉट काइंड ऑफ नाउन इट इज़, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वर गिवन बाई हिम, नो एरर हियर, this is wrong, there are some noun which seems to be plural but they are not, they always remain singular। ये पूरी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझिए, मैं बता रही हूँ ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग प्रकार के आते हैं, हमें लगता है कि नाउन जानते हैं तो सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट्स, ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगेन इट्स अ नाउन विच डू नॉट एड एस विद इट, ये एक ऐसा नाउन है जो आप 50 भी देंगे तो इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। ऐसे हम लोग नाउन्स पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। आई विल गिव यू दैट रिटन वो, आफ्टर दिस आई विल गिव यू अ सिंपल रिटन फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑफ द नाउन्स विच हैव ऑड प्लूरल्स, ओके। चलो दिस एंड्स विद द लेसन नाउन, हर चीज़ ध्यान से समझना, एग्जाम से रिलेट करके पढ़ना, आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर, और मैं पढ़ाना भी नहीं चाहती ग्रामर, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दिखाना है अपने बच्चों को, सो दैट व्हेन दे अपियर इन द एग्जामिनेशन दे हैव फुल नॉलेज ऑफ हाउ टू करेक्टली चूज एन ऑप्शन आउट ऑफ द क्वेश्चन इन 30 seconds। इससे ज़्यादा लग रहा है तो कृपया क्वेश्चन को स्किप करें। टिल देन गुड लक, कीप स्माइलिंग। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।